गुजरात में कोरोना महामारी तेजी के साथ फैल रही है। अभी भी अस्पतालों के बाहर ऑक्सीजन के साथ कोरोना मरीज एम्बुलेंस की कतार में हैं और बेड का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कतार में ही बेड का इंतजार करते करते काफी मरीज दम तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इस कड़ी धूप में अस्पतालों के बाहर मरीजों के परिजनों को ना तो सरकार की ओर से पानी या खाना नसीब हो रहा है, ना ही उन लोगों को धूप से बचने के लिए कोई व्यवस्था की गई है। वहीं न्यूज़वर्ल्ड इंडिया ने एक मुहिम को छेड़ा और इस मुहिम के साथ सामाजिक संस्थानों को लोगों की वास्तविकता बताई और सेवा करने के लिए प्रेरित किया। तब जाकर संस्थाएं इन लोगों के सपोर्ट में आई है और सामाजिक संस्थाओं के द्वारा अस्पतालों के बाहर मरीज के परिजनों के लिए लगातार पानी, फूड पैकेट्स देकर एक बड़ी सेवा का जिम्मा उठाते हुए सेवा संस्थाएं नजर आ रही हैं। ऐसे माहौल में अपनी परवाह किए बगैर लोगों के बीच जाकर पानी, फूड पैकेट्स मुहैया कराते हुए ये लोग नजर आ रहे हैं और जिस जिम्मेदारियों को गुजरात सरकार को निभाना चाहिए वो जिम्मेदारियां सामाजिक संस्थाएं आगे आकर निभा रही हैं। गुजरात सरकार ना तो बेड ही दे रही है, ना ही ऑक्सीजन, ना ही वेंटिलेटर, सिर्फ और सिर्फ दे रही है तो घंटों घंटों अस्पताल के बाहर कतारों में खड़े ये लोग जो दिखाई दे रहे हैं। और गुजरात में सरकार के ऊपर हर एक लोग गुस्सा करते हुए और रोष दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ, जिस तरह से अहमदाबाद के जो धन्वंतरी हॉस्पिटल है वहाँ पे एम्बुलेंस की लाइन लगातार यहाँ पे दिखाई दे रही है। वक्त में जो कड़ी धूप में यहाँ पे जो दर्दी और जो पेशेंट होते जो पॉजिटिव केसेज यहाँ पे दाखिल किए जाते हैं, और जो पॉजिटिव केसेज के जो दर्दी के जो पेशेंट है और उनके जो फैमिली वाले हैं, कड़ी धूप में यहाँ पे खड़े रहते हैं और कड़ी धूप में यहाँ पे लाइन लगा के खड़े रहते हैं। क्योंकि जितने कुछ जगह पे अभी ये कड़ी धूप में नहीं उनको पानी मिलता, नहीं खाना मिलता, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी संस्था है अहमदाबाद में भी है जो सराहनीय काम करते हुए नजर आ रही है। जिस तरह से देखा जाए कि ये जो अंकल है ये जो फूड पैकेट जो यहाँ पे जो धन्वंतरी हॉस्पिटल के बाहर जो फूड पैकेट वितरण कर रहे हैं, क्योंकि जो परिजन है वो लोग भूखे नहीं मरे, जो बाहर से आए, जो गाँव से आए, काफ़ी लोग कहीं कहीं से आए हैं, लेकिन ऐसी संस्था के द्वारा पानी, छाछ और इस प्रकार के फूड पैकेट दिए जाने से वो लोग कहीं ना कहीं भूख महसूस नहीं करते, प्यास महसूस नहीं करते। क्या कहना चाहेंगे, कहाँ से आए आप? जूनावाड़ा से आए, अहमदाबाद जूनावाड़ा से है। हम अपनी क्या है, हमने देखा कि कुछ पानी नहीं मिल रहा है, छाछ नहीं मिल रही, खाने का कोई इंतजाम नहीं है, तो हम लोगों ने हमारी तरफ से हमारे से जो हुआ हमने कर दिया। तो आप क्या क्या देते हो? अभी छाछ देते हैं, अभी वो वितरण कर रहे हैं, फूड पैकेट है वो खाने का है और पानी का वितरण कर रहे हैं। इस प्रकार से देखा जाए तो काफी सराहनीय काम करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि लोग धूप में है, कड़ी धूप में यहाँ पे नजर आ रहे हैं, लेकिन जो अंदर एडमिट है उनके जो पेरेंट्स हैं ये लोग कड़ी धूप में यहाँ लगातार बाहर बाहर दिखाई दे रहे हैं आपको। और मेरे साथ जो ये फूड पैकेट लेके आए हैं वो ऐसे महान महानुभाव है, मैं आपसे पूछना चाहूँगा आपका नाम बताएंगे। दीपक है मेरा नाम, मैं सैटेलाइट से आया हूँ और एक मानव धर्म के हिसाब से ये हमने फूड पैकेट का आयोजन किया है। तो सभी रिलेटिव वाले को या यहाँ पे जो भी सेवा बजा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं हुए, तो ध्यान में रख के हमने सर मानव सेवा तो सरकार की भी आती है, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं छोटी हुई नजर आ रही है। यहाँ पे लगातार लाइनें देख रही है एम्बुलेंस की, लगातार कतारों में एक एक दो दो घंटे से लगातार कतारों में लोग मरीज पड़े हुए हैं, लेकिन ये सरकार की मानवता है कहीं ना कहीं छोटी हुई नजर आ रही है। आप जैसे लोग जो धर्म कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे सरकार के लिए? सरकार अपना काम कर रही है, हम अपना काम कर रहे हैं, सरकार के ऊपर हमको मतलब ब्लेम, लेकिन ये जो जिम्मेदारी है ना, ये जो खाना पीना जो परिजनों को देने की जिम्मेदारी सरकार की आती है, लेकिन आप लोग जो ऐसे लोग हैं जो धर्म कार्य करते हैं वो लोग कहीं ना कहीं नजर आते हैं पानी पीने पिलाने के लिए, खाना खाने पिलाने के लिए, तो सरकार को क्या देना चाहेंगे? वो काम आपका नहीं है लेकिन सरकार का है। नहीं, सरकार का काम है, लेकिन सरकार अभी नहीं बजाएगी फर्ज, तो मानव धर्म के हिसाब से हम लोग बजाते हैं, हमारी फर्ज पूरी करेंगे, उनको उनकी फर्ज बजानी चाहिए। क्या क्या लेके आए आप सर? हम अपने फूड पैकेट में पराठा, सब्जी, पुलाव, छाछ और पानी की बॉटल, यहाँ पे जितने भी परिजन कर रहे हैं उनको पानी छाछ लेके जो फूड पैकेट वगैरह यहाँ पे प्रोवाइड करते हुए नजर आ रहे हैं। एक मानव धर्म हम लोग दिखाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो गुजरात सरकार है सोची हुई नजर आ रही है। मैं तनोजी राजपूत, न्यूज़वर्ल्ड इंडिया, गुजरात।